हाय दोस्तों, वेलकम हमारे चैनल में आपका। मेरा नाम है ख्वाजा और आप देख रहे हैं टेक्नो ख्वाजा। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं अमेजॉन एड्स के बारे में, अमेजॉन के एफिलिएट्स के एड्स के बारे में। आपको बताने वाला हूँ मैं इस वीडियो में कि अमेजॉन एड्स एफिलिएट्स एड्स को आपके ब्लॉग पर कैसे लगाते हैं। तो इस वीडियो में मैं पूरा बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको मैं मेरी ब्लॉग दिखाना चाहूँगा जिस पर मैंने अमेजॉन के एड्स एफिलिएट के एड लगाए हुए हैं। तो सबसे पहले मेरे ब्लॉग आप देख लीजिए, अमेजॉन के ऐड कैसा शो हो रहे हैं, ताकि आपको बाद में मैं दिखा सेट करके बता सकूं सब ऐड। तो एक बार आप पहले यहाँ पर देख लीजिए मेरे ऐड। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अमेजॉन के एफिलिएट के ऐड यहाँ पर ओपन हो चुके हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं, एक हेडर में है, एक साइड बार में एड्स चल रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो यहाँ नीचे तक एड्स यहाँ पर चल रहे हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये भी मिल जाएंगे। इसका कोड आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पर रेडी रहेगा कोड। आपको बस इस ऐड के, अब जो मैं दिखा रहा हूँ इस ऐड के, आपको रेडी रहेगा कोड, आपको मिल जाएगा। बस आपको वहाँ से कॉपी करना है, आपके ब्लॉग में लगा के पेस्ट कर देना है, बस इजीली काम है। वो कोड कहाँ मिलता है वो भी आपको बताने वाला हूँ। ये सब रेडीमेड से ऐड है, बट मतलब इसका ऐड कोड यहाँ पर जनरेट नहीं करना होता है। तो आप ये मोबाइल का ऐड तो देख रहे हैं, तो ये मैंने लगाया है। मैंने जब आप ब्लॉग पर आप जिसका ऐड दिखाना चाहते हैं तो उसका आप क्रिएट करना पड़ता है। यहाँ पर जो ऐड आप दिखाना चाहते हैं, जैसे फुटवेयर हो गया, जो कपड़े के ऐड दिखाना चाहते हैं, या समझो अच्छे ड्रेस के ऐड दिखाना चाहते हैं, या मोबाइल के ऐड दिखाना चाहते हैं, लैपटॉप के ऐड दिखाना चाहते हैं, समझो किसी के भी ऐड दिखाना चाहते हैं, तो उसका हमको यहाँ पर कोड जनरेट करना होता है ब्लॉग में। तो वो कैसे जनरेट करते हैं वो भी बताता हूँ आपको। ये सब तो आप देख रहे हैं, मिलियंस ऑफ प्रोडक्ट, ये तो ये सब रेडीमेड आपको मिल जाते हैं, मिलियंस ऑफ प्रोडक्ट, ग्रेट, ये सब यहाँ पर दिख रहे हैं आपको, ग्रेट प्राइजेस, तो ये सब आपको मिल जाते हैं। तो यहाँ पर दो मोबाइल के एड्स लगाया हूँ मैं, तो आपको यहाँ पर वही बताता हूँ, वही बताऊँगा आज। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, जूम करके दिखा रहा हूँ, अमेज़न का रियल मी 5 प्रो का एक ऐड लगाया हूँ। तो यहाँ पर ये रियल मी नार्जो 10 का एक ऐड है, तो आपको वो भी आपको दिखाता हूँ। तो आप यहाँ देख सकते हैं फुटर का ऐड यहाँ पर शो हो रहा है। तो आप ये जो ऐड है यहाँ पर आपको रेडी मिल जाएंगे, कोड आपको सिर्फ वहाँ से कॉपी करना है और पेस्ट करना है, ज़्यादा इसमें कुछ मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। डिस्कवर अमेजॉन डॉट इन एट ग्रेट प्राइस, मिलियंस ऑफ प्रोडक्ट एट ग्रेट प्राइस। तो ये सब जो ये सब है, या ऐसे ऐड आपको कोड कॉपी करके पेस्ट करना होता है। जब आप मनपसंद ऐड लगाना चाहते हैं अमेजॉन का, तो आपको यहाँ पर खुद ब खुद जनरेट करना होता है उसकी लिंक को कॉपी कर कर। तो मैं आपको दिखाऊंगा कैसे करते हैं। तो यहाँ पर जैसे मैंने मोबाइल के एड्स लगाए हैं, तो आप यहाँ देख सकते हैं, तो एक ये दूसरा ऐड लगाया हूँ। तो जो मनपसंद ऐड लगाना चाहते हैं तो आप लगा सकते हैं, तो वो आपको बताता हूँ, चलता हूँ, ले चलता हूँ मैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं यहाँ पर। तो दोस्तों, जो को भी नए व्यूवर्स है, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही लेटेस्ट टेक के रिलेटेड और इन्फॉर्मेशन के रिलेटेड, अर्निंग के रिलेटेड वीडियोस अपने चैनल पे लाता रहता हूँ। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमें भी सपोर्ट कर दीजिए। और अब हम तो मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, जो को भी ये वीडियो को, अमेज़ॉन के एफिलिएट मार्केटिंग की वीडियो को पहली बार देख रहा है, जो तो मैं आपको बता दूँ, आपको यहाँ पर कोई अकाउंट नहीं होगा, तो आप अमेज़ॉन एफिलिएट पर जाकर आपको अकाउंट क्रिएट करना होगा, या आप डायरेक्ट अमेज़ॉन के वेबसाइट पर जाकर कोड नहीं ले सकते। पहले आपका एक अफिलिएट अमेज़ॉन अफिलिएट अकाउंट क्रिएट करना होगा। तो क्रिएट करने के बाद आपको मिल जाएगा, कर सकते हैं वहाँ से आप अर्निंग कर सकते हैं। तो जो कोई भी है, आप अफिलिएट मार्केटिंग का सुन चुके हैं, तो वो लोग यहाँ पर अफिलिएट मार्केटिंग, अमेज़ॉन अफिलिएट का अकाउंट क्रिएट करना होगा उनको, तभी वहाँ से लिंक को कॉपी कर कर या शेयर कर कर अर्निंग कर सकते हैं, या तो ऐड कोड कॉपी कर कर अपने ब्लॉग वेबसाइट पर लगा कर अर्निंग कर सकते हैं। जिनका जिनका अमेज़ॉन अफिलिएट अकाउंट क्रिएट नहीं किया है, जो जो क्रिएट नहीं किया है, प्लीज़ जल्दी से जाकर क्रिएट कर लीजिए और वहाँ से प्रोडक्ट को सेल कर कर आप अर्निंग करना शुरू करिए, या ब्लॉग पर ऐड दिखा कर अर्निंग करना शुरू करिए। और जिसका जिसका पहले से ही अकाउंट क्रिएट है अमेज़ॉन अफिलिएट पे, तो वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो आप, मैं चलता हूँ अमेज़न अफिलिएट अकाउंट पर। तो
तो आपको बताता हूँ कि कैसे मैंने ब्लॉक मर बताया आपको, ब्लॉक पर मेरे ब्लॉक पर ऐड बताया, तो आपको बताता हूँ कैसे पेस्ट कर कर कॉपी करना है आपके ब्लॉक पर भी। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए सर्च कर लेते हैं अमेज़ॉन एफिलिएट मार्केटिंग प्रोग्राम यहाँ पर गूगल पर। तो यहाँ हमें टॉप पर ही शो हो गया, तो हम इस पर क्लिक करते हैं। तो यहाँ से साइन इन का ऑप्शन आ गया, मैं यहाँ पर लॉग इन कर लेता हूँ। तो यहाँ पर आपको ईमेल आईडी और पासवर्ड, अमेज़न का पासवर्ड देना होगा। तो मैंने यहाँ पर ईमेल आईडी और पासवर्ड दे दिया है, तो यहाँ से लॉग इन कर लेते हैं। तो लॉग इन करने के बाद हमारा यहाँ पर अफिलिएट का अकाउंट खुल गया है। तो यहाँ से आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कुछ भी, तो मैं यहाँ से डेस्कटॉप मोड कर लेता हूँ इसको, तो आपको अच्छे से यहाँ पर दिखाई देगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, डेस्कटॉप मोड के ओपन करने के बाद आपको इस तरह दिखेगा। तो आपको ऐड कोड यहाँ पर कॉपी करने के लिए इस पर जाना होगा, प्रोडक्ट लिंकिंग पर, यहाँ पर आपको दिख रहा ही होगा। तो मैं यहाँ से थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ आपको, तो देख सकते हैं प्रोडक्ट लिंकिंग। तो यहाँ से देख सकते हैं आप, प्रोडक्ट लिंकिंग पर क्लिक करना है, और प्रोडक्ट लिंकिंग पर क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको कुछ ऑप्शन दिखाई देंगे। तो यहाँ से आपको दिखाई दे रहे हैं यहाँ से कुछ ऑप्शन, तो आपको यहाँ पर बैनर पर क्लिक करना है, सेकेंड नंबर आपको दिख रहा होगा बैनर। तो यहाँ से बैनर पर क्लिक करने के बाद हम सीधा एफिलिएट ऐड में पहुँच जाएंगे। तो आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर से बने बनाए ऐड आपको मिल जाते हैं, और उसका ऐड कोड भी आपको नीचे मिल जाता है। तो ऐड, ये सब ऐड रेडी रहते हैं, बस आपको यहाँ से कॉपी कर कर पेस्ट करना होता है आपके ब्लॉग पर। तो मैं आपको दिखा रहा था, बता रहा था, जो रेडीमेड ऐड है वो यही ऐड है जो सिर्फ आपको कॉपी करना है, वहाँ पर पेस्ट करना है। तो मैंने आपको ब्लॉग पर भी दिखाया था, यही वो ऐड है, कॉपी और पेस्ट करना है। और इसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि आपके मनपसंद ऐड आपके ब्लॉग पर कैसे लगाते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको मेरे ब्लॉग में ले जाकर दिखाना चाहूँगा कि मैंने यहाँ पर, मैंने जो आपको वीडियो के शुरुआत में मेरे ब्लॉग पर अमेज़न के ऐड दिखाए थे, अब वहाँ से मैंने रिमूव कर दिया हूँ, ताकि फिर से आपको ऐड करके दिखा सकूँ। तो वहाँ से आपको एक बार यकीन हो जाने के लिए मैं ब्लॉग पर आपको ले जा रहा हूँ। तो वहाँ से देखिए, मैं कर दिया हूँ एड्स। तो यहाँ से मेरे ब्लॉग पर हम आ गए। तो यहाँ से थ्री डॉट्स पर क्लिक करने के बाद आपको वी ब्लॉग करके दिखाऊंगा। मेरे पास एक ही ब्लॉग है, तो मैंने पहले ऐड लगाया था अमेज़न के, तो आपको दिखाने के लिए फिर से यहाँ पर रिमूव कर दिया हूँ। तो वी ब्लॉग करने के बाद आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर देख सकते हैं आप। तो यहाँ पर वी ब्लॉग करने के बाद आप देख सकते हैं पहले कितने एड्स यहाँ पर शो हो रहे थे, अब मैंने रिमूव कर दिया, तो यहाँ पर शो नहीं हो रहे। ये इसलिए बता रहा हूँ आपको ताकि आपको यकीन हो जाए, बाद में आप यही ना कहे कि पहले से ऐड शो हो रहे थे फिर भी मैंने पेस्ट करके दिखा दिया। तो मैं अब आपको एक एक ऐड पेस्ट कर कॉपी कर कर पेस्ट कर कर अपने ब्लॉग में दिखाऊंगा, और साथ में ये भी दिखाऊंगा कि शो हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, तो वो भी आपको दिखाऊंगा। तो यहाँ से आपको यकीन हो गया होगा, तो मैंने यहाँ से ऐड रिमूव कर दिए। तो अब यहाँ से चलते हैं एक एक करके ऐड यहाँ पर ऐड करते हैं ब्लॉग में। तो चलते हैं एफिलिएट अकाउंट पे। सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना है, बस कोड कॉपी करना है, और कहाँ पेस्ट करना है वो मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले ए आई डी है, तो यहाँ से हम हाईलाइट पर क्लिक कर लेते हैं। तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, सिर्फ आपको हाईलाइट पर क्लिक करना है, तो यहाँ से ऑटोमेटिक ऐड कोड हो जाता है। फिर यहाँ से हम चलते हैं ब्लॉक पर, और ब्लॉक पर चलने के बाद
तो यहाँ से डायरेक्ट ब्लॉक में जाना है, और ब्लॉक में आने के बाद आपको लेआउट में आना है। तो आप यहाँ देख सकते हैं लेआउट, तो डायरेक्ट आपको लेआउट में आना है। तो यहाँ से मैं थोड़ा डेस्कटॉप मोड कर लेता हूँ ताकि आपको इजीली समझ आ जाए कि कहाँ पेस्ट करना है। तो यहाँ से डेस्कटॉप मोड ओपन हो गया, तो यहाँ से आपको ऐड ए गैजेट दिख रहा होगा, तो यहाँ से आपको ऐड ए गैजेट पर क्लिक करना है। और ऐड ए गैजेट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर कुछ ऑप्शन दिखाई देंगे आपको, आपको क्या करना है। यहाँ से HTML JavaScript पर यहाँ पर दिख रहे हैं, यहाँ से आपको यहाँ इसके आगे प्लस का बटन शो हो रहा होगा, तो वहाँ से क्लिक करना होगा। तो आप एक बार देख लीजिए HTML JavaScript, वहाँ से प्लस का बटन पर क्लिक कर लेना, और प्लस के बटन क्लिक करने के बाद वहाँ से आपको बॉक्स ओपन दिखाई देगा। तो इस तरह का बॉक्स आएगा, तो इस बड़े से बॉक्स में आपका कोड पेस्ट करना होता है। जो ऐड कोड है वहाँ से लॉन्ग प्रेस कर लीजिए और यहाँ से पेस्ट कर दीजिए इजीली। तो यहाँ से पेस्ट होगा, टाइटल देना है तो दे दीजिए वरना चलता है, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ सिर्फ ऐड। तो यहाँ से सेव कर लीजिए आराम से, तो यहाँ से इजीली यहाँ पर ऐड कोड सेव हो गया। तो यहाँ से मैं चलता हूँ, आपको दिखाता हूँ कि कोड दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पर पेज रिफ्रेश हो रहा है, तो एक और बार रिफ्रेश करते हैं, टाइम लगता है थोड़ा, नया नया होता है। तो यहाँ पर तो देख सकते हैं यहाँ पर आप ऐड यहाँ पर शो हो रहा है। तो एक बार और रिफ्रेश करके दिखाता हूँ आपको, तो ऐड शो हो रहा है आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर वो आ गया ऐड, तो हम चलते हैं फिर नेक्स्ट कोड कॉपी कर लेते हैं, बैक आ जाते हैं यहाँ से। और चलते हैं फिर दोबारा, तो दोस्तों ये तो अब हो गया, अब हम चलते हैं नेक्स्ट वाला कॉपी करते हैं। तो आ बैनर ऐड, तो आप इसको हेडर में लगाते हैं या लगा सकते हैं या फुटर में भी लगा सकते हैं, जहाँ दिल चाहे आप वहाँ लगा सकते हैं। तो मैं इसको आपको हेडर में लगा के दिखाऊंगा, बस आपको यहाँ पर हाईलाइट के पर क्लिक करना है और कॉपी हो जाएगा। तो ये कॉपी हो गया, चलते हैं ब्लॉक पर, और ब्लॉक पे जाने के बाद आपको यहाँ पर लेआउट में आना होगा, ये याद रखिए आप, यहाँ पर आपको लेआउट में आना होगा। और लेआउट में आने के बाद आप यहाँ पर लेआउट में आने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं हेडर में लगाना है हमको, और फुटर में भी नहीं, मैं आपको सिर्फ हेडर में लगा के दिखाऊंगा, फुटर में नहीं। यहाँ पर देख सकते हैं क्रॉस कॉलम, आप चाहे तो फुटर में भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन है, आप देख सकते हैं फुटर, और फुटर के यहाँ पर ऐड गैजेट पर क्लिक करेंगे तो सेम ऑपर सेम टू सेम ओपन हो जाएगा। तो मैं आपको हेडर में लगा के दिखा रहा हूँ, और यहाँ पर क्रॉस कॉलम में ऐड ए गैजेट पर क्लिक करना है। ऐड ए गैजेट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं HTML JavaScript, उसके प्लस के बटन पर क्लिक करना है और यहाँ पर पेस्ट कर देना है, बड़े वाले बॉक्स में कोड पेस्ट कर देना है। और आपको यहाँ पर सिंपल ऊपर टाइटल देना है तो दे दीजिए वरना चल जाएगा, मैं तो यहाँ पर दे रहा हूँ ऐड, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता टाइटल से। तो यहाँ पर हो गया, आपको मैं वी ब्लॉक करके दिखाऊंगा कि हेडर का ऐड शो नहीं हो रहा है, हो रहा है या नहीं हो रहा है। वैसे तो जल्दी शो हो जाते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगता, आप देख सकते हैं यहाँ पर दो ऐड यहाँ पर मैंने लगा लिया, दो के दो इंस्टेंट ही यहाँ पर शो होने लगे। आप एक बार रिफ्रेश मार के दिखाऊंगा मैं आपको, तो आप यहाँ देख सकते हैं, तो आप देख सकते हैं दोनों के दोनों शो हो रहे हैं। तो बैक आते हैं हम, और बैक आने के बाद फिर चलते हैं अमेजॉन एफिलिएट पर, और हमारा अब रहा नेक्स्ट नेक्स्ट ये वाला ऐड रहा। तो ये आप
साइड बार में ये लगाने वाला हूँ, तो यहाँ पर आप साइड बार में लगा लीजिए, हाईलाइट पर क्लिक करना है और कोड कॉपी हो गया। आप चलते हैं फिर से लेआउट में ब्लॉक के, तो यहाँ पर साइड बार में देख रहे हैं आप, साइड बार राइट वन, तो आप ऐड गैजेट पर क्लिक करना है साइड बार राइट वन में। तो फिर से यहाँ पर HTML जावा स्क्रिप्ट, तो यहाँ कंटेंट बॉक्स में पेस्ट कर देना है और टाइटल ऐड और सेव कर लेना है। तो ये भी आपको मैं शो कर हो रहा है नहीं हो रहा है दिखाऊंगा। व्यू ब्लॉक पर क्लिक करते हैं, तो यहाँ आप देख सकते हैं। एक बार और एक बार रिफ्रेश मारता हूँ मैं आपको, तो ये रिफ्रेश यहाँ पर हो गया। तो हम तीनों के तीन ऐड लगाए थे, यहाँ पर तीनों के तीन ऐड शो हो रहे हैं। आप हेडर में ये देख सकते हैं, ये साइड बार और ये एक साइड बार का ऐड। तो बैक यहाँ से तो चलते हैं फिर एफिलिएट के अकाउंट में। आप लास्ट यहाँ सिर्फ एक और ऐड है, तो एक लगा के दिखाऊंगा, बाद में आपको जो चॉइस के ऐड है वो लगा के बताऊंगा कैसे लगाते हैं। तो इसको भी हाईलाइट करके कॉपी कर लेते हैं, तो ये भी कॉपी हो गया है। चलते हैं फिर से लेआउट में, और ये भी साइड बार गैजेट है, तो इसको भी साइड बार में पेस्ट करेंगे। तो ये भी आपको व्यू ब्लॉक करके दिखाऊंगा मैं, इंस्टेंट शो हो जाते हैं ऐसे, इस पर कुछ भी नहीं है, ज़्यादा वक्त नहीं लगता है। तो आप देख सकते हैं जैसे जैसे मैं कॉपी कर कर पेस्ट करता जा रहा हूँ, वैसे वैसे ऐड शो होते जा रहे हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं अभी का ये रहा ऐड, तो यहाँ पर एडर यहाँ पर चारों के चार ऐड वहाँ पर दिखा रहे थे, वो यहाँ पर मैंने कॉपी कर कर पेस्ट कर लिए, तो यहाँ पर शो हो रहे हैं। तो इजीली यहाँ पर भी अब मैंने आपको बताऊँगा नेक्स्ट। तो ये ऐड तो हो गए यहाँ पर रेडीमेड, तो ये सब रेडी रहते हैं, तो इनको सिर्फ कॉपी कर कर पेस्ट करना होता है आपके ब्लॉग पर। तो अब आपको मनपसंद जैसे मोबाइल के एड्स या कपड़ों के एड्स, जो भी फुटवेयर के एड्स, जिसका जिसके टॉपिक पर आपका ब्लॉग है, या जो भी कोई आप लगाना चाहते हैं अपने दिल से ऐड, जो भी बेचना चाहते हैं, तो उसका कैसे लगाते हैं वो आपको बताता हूँ मैं। जिसकी यार टेक के रिलेटेड है, तो वो तो टेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रॉनिक्स के आइटम ही बेच सकते हैं। तो यहाँ पर होम पर क्लिक करना है फिर से, तो होम पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर वापस आ गए हम। तो यहाँ पर एफिलिएट का अकाउंट करने के बाद सीधा डायरेक्ट लॉग आते हैं, तो आपको यहाँ पर सर्च बॉक्स दिख रहा होगा, सर्च एंड क्रिएट लिंक्स फॉर एनी प्रोडक्ट। तो मैं यहाँ से थोड़ा और जूम करके दिखाता हूँ, तो यहाँ से होम में एक सर्च ऑप्शन दिखेगा आपको, यहाँ पर सर्च एंड क्रिएट लिंक्स फॉर एनी प्रोडक्ट। तो यहाँ से आप लिंक्स भी व्हाट्सएप पर शेयर कर कर प्रोडक्ट डायरेक्ट बेच सकते हैं कस्टमर को, जिसको भी बॉयर को। तो यहाँ से हम एड कोड करते हैं वो बताता हूँ। तो आपको यहाँ पर सिंपल कोई सा भी एक प्रोडक्ट सर्च करना होगा, तो मैं यहाँ सर्च कर लेता हूँ रियलमी फ़ोन्स, तो यहाँ सिर्फ हम रियलमी लिख देते हैं, ऑटोमेटिक यहाँ पर फ़ोन आ जाएगा। तो यहाँ रियलमी लिखने के बाद यहाँ पर आपको गो पर क्लिक कर देना है, तो यहाँ पर आपको प्रोडक्ट शो होने लग जाएंगे, मोबाइल्स आपको यहाँ शो होने लग जाएंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप रियलमी नार्जो 10 आ गया, रियलमी बड्स आ गए, और रियलमी बड्स 2 विथ माइक आ गया, और रियलमी C15, रियलमी 6i। तो यहाँ से इनका कोड कैसे कॉपी कर सकते हैं वो बताता हूँ आपको। तो यहाँ देख सकते हैं ये रहा रियलमी नार्जो 10, तो हमका इसका अब हम ऐड कोड कैसे कॉपी करते हैं वो बताता हूँ मैं आपको। गेट लिंक करने पर आप यहाँ से व्हाट्सएप पर जो तो यहाँ से आप गेट लिंक पर करेंगे, तो इसका ऐड कोड यहाँ पर आपको दिखाई देगा, और यहाँ पर गेट कोड के गेट लिंक के बाजू यहाँ पर एक ऑप्शन दिख रहा होगा एरो, तो उस एरो को आप क्लिक करेंगे, तो
तो आपको WhatsApp पर शेयर करने की एक लिंक दिखाई देगी। जब आप WhatsApp पर उस लिंक को शेयर करेंगे तो इमेज प्रीव्यू के साथ जिस भी प्रोडक्ट का शेयर करेंगे वो प्रोडक्ट यहाँ पर इमेज प्रीव्यू के साथ शेयर हो जाएगा, और जिसको भी बॉय करने का होगा तो वो डायरेक्ट अपने मोबाइल के अमेज़ॉन में अकाउंट ओपन हो जाएगा और वो वहाँ से बॉय कर सकता है। तो यहाँ से इतनी बड़ी यहाँ पर लिंक आ गई, तो यहाँ से आप शॉर्ट टर्न भी कर सकते हैं। ये आपको मैं सिर्फ आपको व्हाट्सएप पर और दूसरे अदर प्लेटफॉर्म पर शेयर करने की लिंक बता रहा हूँ, एफिलिएट की लिंक, जो भी इस पर आपको यहाँ पर देख सकते हैं शॉर्ट लिंक पर करने से। यहाँ पर आपको और एक बार दिखाता हूँ मैं, तो यहाँ पर ऑप्शन है शॉर्टर URL विथ amazon.in। तो इस पर क्लिक करने के बाद आपको ऑटोमेटिक ये प्रोडक्ट की लिंक यहाँ पर शॉर्ट हो जाती है, ताकि आपको शेयर करने में इजी हो सकते हैं दूसरे सोशल प्लेटफॉर्म में। तो ये तो होगा व्हाट्सएप पर शेयर करने की या दूसरे प्लेटफॉर्म पर शेयर करने की, वहाँ से कस्टमर को एफिलिएट बॉय कराने की, प्रोडक्ट बॉय कराने की। ये हो गई लिंक, तो उससे भी आप अर्निंग कर सकते हैं वैसा शेयर करके भी। मैं आपको बताने जा रहा हूँ ऐड कोड की। तो यहाँ पर सिंपल आपको यहाँ पर रियलमी Narzo 10, तो यहाँ से सिंपल आपको गेट ए लिंक पर करना है, तो ऑटोमेटिक आपका ऐड कोड यहाँ पर दिखाई देगा आपको। गेट लिंक पर क्लिक करने का, सिंपल आपको गेट लिंक पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ देख सकते हैं नीचे यहाँ पर ऐड आ गया, तो इसका कोड भी आ गया आप देख सकते हैं। तो हमने रियलमी Narzo 10 मोबाइल का ऐड कोड है, तो इसको गेट लिंक करने के बाद इस तरह आपको शो होगा। तो यहाँ पर ऐड भी देख सकते हैं, इस तरह आपके वेबसाइट पर ऐड शो होगा। तो यहाँ से सिंपल आपको हाईलाइट कर लेते हैं हम, हाईलाइट करने के बाद चलते हैं ब्लॉग पर। ये इसको भी पेस्ट करके बताता हूँ मैं ऐसा शो होता है। तो इसको भी यहाँ साइड बार में ही पेस्ट करते हैं, पेस्ट करेंगे। तो ये भी सेम HTML जावा स्क्रिप्ट, तो सेम इसका भी सेम प्रोसेस है। बस आपको प्रोडक्ट को सर्च कर कर गेट लिंक करना होगा, तब जाके आपको ऐड कोड दिखाई देगा। इसके लिए आपको एफिलिएट अकाउंट होना ज़रूरी है, अमेज़न का एफिलिएट अकाउंट होना ज़रूरी है, वरना आप अमेज़न के वेबसाइट पर जाकर ही ऐसा सर्च करेंगे तो गेट लिंक का ऑप्शन आपको नहीं दिखाई देगा। एफिलिएट अकाउंट बनाना आपको ज़रूरी है। तो यहाँ पर वी ब्लॉक करते हैं हम, देखते हैं ये कैसा शो हो रहा है। तो मैंने क्लिक कर दिया वी ब्लॉक पर, तो इसमें ज़्यादा देर नहीं लगती है ऐड शो होने में, इंस्टेंट शो हो जाते हैं। जैसे आपने पेस्ट किया वैसे ही यहाँ पर आपके ब्लॉक पर ऐड शो हो जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो यहाँ हमारी साइड बार में ऊपर ही ऐड शो हो गई। थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ आपको एक बार। तो हमने रियलमी Narzo 10 की यहाँ पर मोबाइल का ऐड कोड कॉपी किया था, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कॉपी हो गया। तो और एक बार आपको रिफ्रेश मार के दिखाता हूँ मैं। तो आप देख सकते हैं सारे ऐड शो हो जा रहे हैं। तो चलते हैं और एक दो ऐड मैंने ऐड कोड आपको दिखाऊंगा, इसके बाद वीडियो को ख़त्म करते हैं। सिर्फ आपको क्या करना है, अमेज़ॉन के एफिलिएट के अकाउंट में जाना है, और जैसे आप लॉगिन करेंगे तो हम होम पेज पर आप एंटर हो जाएंगे। आप एफिलिएट अकाउंट क्रिएट करेंगे तो भी होम पेज पे आएंगे, और लॉगिन करें तो भी यहाँ पर होम पेज पे डायरेक्ट आ जाएंगे आप। तो होम पेज पर आने के बाद, अब होम पेज पर आने के बाद आपको सिंपल होम नीचे स्क्रॉल डाउन करना होगा, और यहाँ पर आपको ऑप्शन आएगा कीवर्ड, यहाँ पर कीवर्ड और एसिन, तो यहाँ पर आपको सर्च का ऑप्शन आएगा। तो आप यहाँ पर कुछ भी सर्च कर लीजिए, कुछ भी, जैसे आप कोई सा भी मोबाइल का ऐड दिखाना चाहते हैं या कपड़ों का ऐड दिखाना चाहते हैं, कोई सा भी कुछ भी सर्च कर लीजिए, यहाँ से सर्च कर लीजिए। या आपको दूसरी लिंक पसंद आ गई, दूसरा प्रोडक्ट पसंद आ गया अमेज़ॉन में, तो वहाँ से उसके लिंक कॉपी कर कर यहाँ ला कर आप पेस्ट करेंगे तो वो भी प्रोडक्ट यहाँ पर शो हो जाएगा। उसका भी आप गेट लिंक कर कर आपके ब्लॉग पर दिखा सकते हैं इजीली। तो यहाँ पर मैं और एक बार रियलमी सर्च करता हूँ। रियलमी सर्च करने के बाद यहाँ पर गो पर क्लिक करना है, तो ऑटोमेटिक यहाँ इजीली प्रोडक्ट शो हो जाएंगे। आपको जो कोई भी प्रोडक्ट पसंद आ जाता है तो उसका कॉपी कर कर या एफिलिएट में आकर आप यहाँ
लिंक पेस्ट प्रोडक्ट की गेट लिंक कर कर आप आराम से आपके ब्लॉग पर लगा सकते हैं। तो हमने नॉर्जो 10 का एक कर दिया। आप यहाँ पर रियल मी बड्स वायरलेस का इसका भी एक लगा के दिखाता हूँ मैं आपको। तो यहाँ से सिंपल आपको ये गेट लिंक पर क्लिक करना है। यहाँ से आप दिख रहा होगा आपको, गेट लिंक पर क्लिक करने के बाद सीधा आपको ऐड कोड दिखाई देगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऐड कोड। तो आप सोच रहे हैं इसका हाइट विड्थ चेंज नहीं कर सकते क्या? तो यहाँ पर ये तो पूरा हाइट विड्थ यहाँ पर कुछ भी इसका चेंज नहीं कर सकते हम। जो यहाँ पर इसका ऐड कोड है वो बिल्कुल सेट रहता है। तो आप चेंज भी करेंगे तो चेंज होगा तो भी यहाँ पर एड्स उतना ही ऐड जो हाइट विड्थ तो यहाँ पर आता है तो यहाँ से चेंज नहीं कर सकते हम। तो मैंने यहाँ पर कोशिश करके देखा बट ऐड उसका उतना ही शो हो रहा है, जितना भी चाहे जितना ज़्यादा भी आप साइज रखिए ऐड तो हो रहा है। तो यहाँ पर इसको भी एक बार ऐड गैजेट में पेस्ट करते हैं साइड बार में। जावा स्क्रिप्ट, HTML जावा स्क्रिप्ट। तो ये भी पेस्ट हो गया। सिंपल। तो फिर व्यू ब्लॉक करके दिखाता हूँ मैं आपको। आपको सिर्फ एक एक ऐड पेस्ट करके इसलिए दिखा रहा हूँ मैं आपको, ऐड शो हो रहे हैं नहीं तो, ताकि आपको पता चल जाए मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, जैसे पेस्ट कर रहा हूँ वैसे ऐड शो हो जा रहे हैं। आप देख सकते हैं रियलमी नार्जो 10 भी शो हो गया और रियलमी बड्स भी शो हो गए, वायरलेस बड्स आप देख सकते हैं। आपको ऐड कोड पेस्ट करके इसीलिए बता रहा हूँ ताकि आपको यकीन हो जाए, मैं जैसे जैसे ऐड कोड पेस्ट करता जा रहा हूँ वैसे वैसे यहाँ पर ऐड शो होते जा रहे हैं, ताकि आपको यकीन हो जाए, इसलिए मैं आपको बार बार दिखा रहा हूँ कि शो हो रहे हैं या नहीं हो रहे। तो लास्ट एक ऐड कोड आपको दिख, उसके बाद वीडियो की एंड करते हैं। तो दोस्तों आपको एक और बार बता दूं, मैं जब भी आप लॉगिन करेंगे अमेज़न अफिलिएट पर और साइन अप भी करेंगे तो आप सिर्फ होम पेज पे आ जाएंगे, जैसे सब इसमें सब वेबसाइट में होम पेज पे ही होता है। तो इसमें भी आप होम पेज में आ जाएंगे और होम पेज में आने के बाद आपको यहाँ नीचे सर्च बॉक्स दिख रहा होगा। तो जो भी आपको जिस किसी की भी लिंक चाहिए आप यहाँ पर सर्च बॉक्स में टाइप कर कर, और जो ऐड कोड भी चाहिए तो यहाँ से आप प्रोडक्ट को सर्च कर कर उसकी लिंक भी ले सकते हैं, जिससे सोशल मीडिया पर शेयर कर जाती है, और उसका ऐड कोड भी ले सकते हैं। वो कैसे लेते हैं मैंने बताया वीडियो में। तो वहाँ से आप प्रोडक्ट की लिंक कर कर सोशल मीडिया पर शेयर कर सकते हैं, जैसे व्हाट्सएप या फेसबुक को इमेज प्रीव्यू वाली। जब आप यहाँ से लिंक कॉपी करेंगे, जब आप वो फेसबुक या व्हाट्सएप पर जाएंगे तो वहाँ पर पेस्ट करेंगे तो ऑटोमेटिक इमेज वहाँ पर प्रीव्यू होकर आ जाएगी। जब आप वहाँ पर पोस्ट करेंगे तो जो भी इंटरेस्ट हो वहाँ से इमेज को देखकर जाकर ख़रीदेगा तो भी आपको उतना ही प्रॉफिट मिलेगा जितना प्रोडक्ट के पीछे परसेंटेज में होता है, ऐड होता है तो उतना ही आपको मिलेगा। और ऐड देखकर भी जाकर करेगा तो भी उतना ही प्रॉफिट आपको होगा। तो जो भी चाहे यहाँ पर सिंपल सर्च कर लीजिए। दो एक फ़ोन का मैंने दिखाया था ऐड कोड पेस्ट किया और एक रियल मी बड्स का हो, तो आप यहाँ पर सर्च कर लेते हैं सैमसंग। तो जो भी आपका पसंद हो यहाँ से सिंपल सर्च करके गो पर क्लिक कर दीजिएगा और प्रोडक्ट आपको यहाँ पर शो हो जाएंगे। तो आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ पर आ गया हम पर हमारे पास सैमसंग गैलेक्सी M21 मिडनाइट ब्लू 4G रैम 64 GB। तो यहाँ से सिंपल आपको यहाँ पर गेट लिंक करने पर आपको ऐड कोड दिखाई देगा और यहाँ पर एरो पर क्लिक करने के बाद आपको सोशल मीडिया पर शेयर करने की लिंक आ जाएगी। तो वहाँ वो भी सोशल मीडिया पर शेयर कर कर अगर आप बेच देंगे तो उतना ही प्रॉफिट मिलेगा। किसी भी अगर कोई देख कर जाकर खरीदता है तो भी आपको उतना ही प्रॉफिट मिलेगा। तो हमको यहाँ पर ऐड लगाना है तो यहाँ पर देख सकते हैं सैमसंग गैलेक्सी M21 का मैं यहाँ पर कॉपी करूँगा, को ऐड कोड पर ले जाएगा। तो हम यहाँ पर ऐड कोड पर आ गए, फिर से सेम हाईलाइट करना है और हाईलाइट करने के बाद यहाँ से ऐड कोड कॉपी हो जाएगा। तो ये कॉपी हो गया, सेम चलना है ब्लॉक पर। लेआउट में जाकर आप जहाँ चाहें वहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं। तो ये भी मैंने सिंपल साइड बार में ही पेस्ट करूँगा। तो आप देख सकते हैं ऐड ए गैजेट
तो ये लास्ट वन आपको मैं पेस्ट करके दिखा रहा हूँ, उसके बाद हम वीडियो को एंड करते हैं। तो सेम HTML जावा स्क्रिप्ट, तो जो भी मनपसंद हो आप ऐड कोड कॉपी कर कर यहाँ पर आकर पेस्ट कर सकते हैं, फुटर में हो या हेडर में, जहाँ आपका दिल चाहे वहाँ पर पेस्ट कर कर सेव कर सकते हैं। तो ये भी आपको एक शो करूँगा, शो करके दिखाऊंगा मैं। तो वी ब्लॉक पर क्लिक करते हैं, तो आप यहाँ देख सकते हैं सीरियल वाइज यहाँ पर तीनों के तीन ऐड मैंने लगाए थे। यहाँ पर शो हो रहे हैं सैमसंग M21, तो यहाँ पर रियल मी बड्स, यहाँ पर रियल मी नार्जो 10, तीनों के तीन लगाए थे। और यहाँ पर ये लिंक्स सारे मैं कॉपी करके लगाया हूँ, तो आप ये देख सकते हैं ये है बैनर आर्ट, ये सब आप लिंक तो वहाँ पर रेडी रहती है, बस आपको कॉपी कर कर पेस्ट करना होता है। तो दोस्तों आप यहाँ सोच रहे होंगे इस पर ब्लॉग स्पॉट पर ऐड शो होते हैं क्या नहीं होते, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ब्लॉग स्पॉट ही है मेरा, तो भी यहाँ पर ऐड शो हो रहे हैं इसके। ऐसा कुछ भी नहीं है, इसको डोमेन ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी नहीं है। और इस पर आप डोमेन ख़रीदेंगे तो भी ऐड शो हो जाएंगे, और नहीं ख़रीदेंगे तो ब्लॉग स्पॉट भी रहेगा तो ऐड शो हो जाएगा। बाकी एडसेंस के अल्टरनेटिव की तरह नहीं है जो ब्लॉग स्पॉट पर काम नहीं करेंगे, ऐसा कह देते हैं। बट इस पर तो आप आराम से इजीली, मैंने पेस्ट किया है, आप तो देख सकते हैं ब्लॉग स्पॉट ये मार के दिखाता हूँ मैं आपको। तो यहाँ पर सिंपल, यहाँ पर आपको ब्लॉग स्पॉट हो तो भी टेंशन नहीं है, और डोमेन रहेगा तो भी टेंशन नहीं है, आपको ऐड यहाँ पर सिंपल शो हो रहे हैं। दूसरे एडसेंस के अल्टरनेटिव की सरकार नहीं है कि वो मना कर देते हैं। तो दोस्तों तो मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, अगर कोई भी आप ब्लॉग आपके ब्लॉग पर या वेबसाइट पर विजिटर्स आएगा, अब यहाँ पर आपको रियल मी का फ़ोन देखेगा जैसे आप, तो यहाँ से मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा, तो यहाँ से मैंने यहाँ पर रियल मी बड्स का ऐड लगाया हूँ। तो समझो यहाँ पर कोई भी व्यूवर्स आता है मेरा ब्लॉग पढ़ने के लिए, तो उसको ये बड्स पसंद आते हैं, तो यहाँ पर यहाँ से वो बाय करने चला जाता है अमेज़न पर, मेरे एफिलिएट के लिंक से चला जाता है, तो और अच्छे बड्स दिखेंगे, तो वो मेरा तो नहीं ख़रीदेगा, वो दूसरा और दूसरे मेरे लिंक के सिवा दूसरे बड्स भी ख़रीदेगा, तो दूसरे बड्स के पीछे जितना प्रॉफिट ऐड होगा वो भी मुझे मिल जाएगा। तो ये एक बात यहाँ पे अमेज़ॉन की बहुत अच्छी लगी, चाहे आप एफिलिएट पे जो भी लिंक दीजिए, अगर चाहे आप मोबाइल के लिंक दीजिए, चाहे यहाँ से मेरे एफिलिएट के मोबाइल ख़रीदने जाकर, अगर वो मेरा रियल मी का मोबाइल नहीं ख़रीदता है, दूसरा भी ख़रीदता है चाहे सैमसंग का और रेडमी का, तो उस मोबाइल के पीछे जितना प्रॉफिट ऐड होगा तो वो भी सीधा मुझे ही मिलेगा। तो समझिए यहाँ पर मेरे रियल मी बड्स है, तो विजिटर्स यहाँ पर जाता है, यहाँ से जाकर मेरे एफिलिएट के लिंक से जाकर वो अमेज़ॉन में जाकर चाहे बड्स ख़रीदे या ना ख़रीदे, वो ग्रोसरीज भी ख़रीदता हो, किताब भी ख़रीदता हो, चाहे वॉच भी ख़रीदता हो, जो कुछ भी ख़रीदे, वो जितना जो जितने प्रोडक्ट ख़रीदता है उतने प्रोडक्ट के पीछे जितना प्रॉफिट ऐड होता है वो सारा का सारा मुझे ही मिलेगा, चाहे वो रियल में बड्स ख़रीदे या ना ख़रीदे, दूसरे ग्रोसरी से सामान ख़रीदेगा तो भी उसके पीछे का प्रॉफिट हमें ही मिलेगा। तो क्योंकि वो हमारे एफिलिएट के लिंक से अमेज़ॉन के अंदर विजिट किया होता है, तो उसके लिए वो चाहे जितने भी प्रोडक्ट्स खरीदे उतने प्रोडक्ट के पीछे जितना भी प्रॉफिट होता है वो सारा हमें ही मिलता है, चाहे हमारा रियल मी का बड्स ख़रीदे या ना ख़रीदे। तो एक मुझे अमेज़ॉन में अमेज़ॉन की बहुत बहुत अच्छी लगी। तो हमारे एफिलिएट के लिंक से जाकर वो जो हमारे जो जो हम प्रोडक्ट का लिंक दिए होते हैं वो ख़रीदे या ना ख़रीदे, दूसरा जो कुछ भी ख़रीदता है तो उसके पीछे जितना प्रॉफिट ऐड होता है वो भी हमें ही मिलता है। तो एक बात बहुत अमेज़ॉन की बहुत अच्छी लगी मुझे, तो इसे यहाँ पर आपको। तो दोस्तों ये थी हमारी इन्फॉर्मेशन, तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि हम ऐसे ही टेक के रिलेटेड, इन्फॉर्मेशन के रिलेटेड, अर्निंग के रिलेटेड और ब्लॉगिंग के रिलेटेड वीडियोस लाते रहते हैं। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करिए, और मिलते हैं हम ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए बाय।